खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा बीते कुछ दिनों से एक धर्म युद्ध अपराधी भाई करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वो बहुत दिनों से हमसे डिबेट करने के लिए बोल रहे थे। तो आज हमारी उनसे डिबेट हुई है, आज तारीख है 6 दिसंबर। तो आज हमारी उनसे डिबेट हुई है। तो रूल ये था कि एक सवाल वो करेंगे, एक सवाल हम करेंगे, जैसे आप आगे अभी रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। लेकिन बेसिकली जो हमारे भाई हैं एक धर्मयुद्ध अपराधी, उनको यही नहीं पता कि डिबेट करनी कैसे होती है और पूरी बातचीत क्या होती है। ऐसा सेंस ही जब आप यूट्यूब से कभी ज्ञान लेते हैं तो आपको पता चलेगा, यूट्यूब के ज्ञान लेने के बाद जब आप डिबेट करने आएंगे तो कैसा होता है, वो इस रिकॉर्डिंग के अंदर है। तो फर्स्ट थिंग, जैसा भी है कि हमने सवाल करा तो इनको इतना सब्र नहीं हुआ कि हम बोलें कि आप सवाल का जवाब दें। इन्होंने ये बात बोलने से पहले ही कि आप जवाब दें इस बात का, हमारा सवाल कंप्लीट होने से पहले ही बीच में बोलने लग गए, सवाल के बीच में बोलने लग गए। तो अब आप वो आगे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे और जैसा भी जो भी एडिट करके अपने यूट्यूब पे चढ़ाएंगे वो सब आप जानते ही हैं। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग आपके सामने है, आप सुने, इंजॉय करें और जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट के अंदर, ताकि हम आगे चल के ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें और आप लोग भी थोड़ा नॉलेज रखें इस बात का। तो चलें, खुदावंद यीशु के जलाली नाम में शालोम सभी को, खुदा में बढ़ते रहें और रूहानी रूप में आगे बढ़ते रहें। मसीह यीशु के नाम में शालोम। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? बस कृपा जी ईश्वर की। और बताएं, आप अपनी वीडियो बंद कर सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, चालू है। चलें, ये आपका मसला है जी। चलें, आप दोनों लोग देख लें, मैं तो सर म्यूट पे जा रहा हूँ। आपने मेरे से कांटेक्ट करे, जैसे भी आप दोनों में बात करवाने तो आप दोनों आपस में बात कर लें, मैं चला म्यूट पे। हाँ जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बीच में तीसरा ना तो प्रश्न करेगा ना उत्तर देगा, ठीक है जी भाई साहब? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि हमारी बहस किस चीज पर हो रही है। हमारी बहस वेद वेद बाइबल हो रही है, जिनमें कि चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, मीमांसा, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थ वेद, मनुस्मृति है, और दूसरी तरफ है बाइबल, ठीक है सर? मैं आपको थोड़ी सी शर्तें भी क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दें चाहे मैं दूं, किसी भी प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक आधार और उपलब्ध पुस्तकों या उपलब्ध प्रमाण आदि के आधार पर देना होगा, वरना उस उत्तर को झूठा और गलत, ठीक है? और जब तक हम दोनों में से कोई भी ये ना कह दे कि ये मेरा उत्तर है, तब तक प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन वो प्रश्न उसी प्रश्न से संबंधित होगा। मेरे प्यारे भाई, आपकी आवाज हो रही है कट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि किसी भी प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक आधार, तर्क, उपलब्ध पुस्तकों, उपलब्ध प्रमाण आदि के आधार पर देना होगा, वरना उस उत्तर को झूठा और गलत मान लिया जाएगा। और जब तक हम दोनों में से सुन तो ले, आप चैलेंज भी आप ही करेंगे, शर्तें भी आप ही लगा देंगे, सब कुछ आप ही कर देंगे, हम लोग क्या ताली बजाएंगे? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप किससे कहानियों में बात करेंगे, प्रमाण पे आएंगे? नहीं, प्रमाण तो मैं भी दिखाऊंगा ना कि पहले ये जो आपके वेद हैं ये सही हैं भी कि नहीं। ये बात मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ, ये दोनों के लिए ही शर्तें हैं, ये आपके लिए नहीं है। एक बात मुझे ये बताएंगे ना, आप देखो जो आपके स्कॉलर्स ने जो वेद लिखे हैं उसके आधार पे भी तो मैं भी तो उसे क्रॉस चेक करूंगा ना कि भाई आपके स्कॉलर क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने मना ही नहीं किया, ठीक है ना? जो भी उन्होंने भाष्य वाष्य बनाए हैं या जो भी कुछ है उसके, मैं अगर मना कर रहा हूँ तो मेरी बात गलत होती है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि उपलब्ध पुस्तकों और उपलब्ध प्रमाण आदि के आधार पर, तर्क के आधार पर, विज्ञान, ये नियम मेरे खुद पे भी लागू हो रहा है और आप पर भी हो रहा है, ठीक है सर? यहाँ एक तरफा बात नहीं है, दोनों तरफ बात है।
तो अपनी भी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते। कोई नहीं, अभी मैं आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे क्लियर आपके पास समझ में नहीं आ रही है जी। या तो आप मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भैया जी कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चलिए आप जो भी वैदिक, एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है ठीक, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मेरे को नहीं समझ में आ रही है। बस अभी ब्रेक आपकी आवाज ब्रेक हो गई भैया जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या कहते हैं कि मैं भी जो मैं जब वेदों को टेस्टिफाई करूंगा, मैं हिस्टोरिकली हर तरीके से टेस्ट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वेद है तो उसको फॉलो भी तो कर ही रहे होंगे ना। हमारे तो वेद ही कहते हैं कि तर्क और विज्ञान के आधार पर चेक कीजिए तब मानिए। तर्क और विज्ञान के आधार पर भी जो भी कोई बात है, मुद्दा यह है कि अगर आपके वेद हैं तो आपके लोग जो हिस्टोरिकल लोग हैं वो उसे फॉलो तो करते होंगे ना। बिल्कुल फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग फॉलो करते होंगे तो हम उस आधार पे भी तो देखेंगे ना कि क्या सही में जो आज आप लोग वेद हमारे सामने दिखा रहे हो सिनोमिनम्स चेंज कर कुरा के, वो सही भी है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल चेक कीजिए, है ना, क्योंकि वो है। तो चलिए थोड़ा पहले मैं अपना पॉइंट रखता हूं, ठीक है जी, मैं पहले अपना पॉइंट रखता हूं। तो हम पहले चलते हैं हिस्ट्री से, थोड़ा हिस्टोरिकली चलते हैं वेदों की। तो जब मतलब अब ये डिबेट का पहला प्रश्न है। हाँ, मैं डिबेट का पहला प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न आप करेंगे उसका उत्तर मैं दूंगा, उसके बाद मेरी बारी होगी, फिर मैं प्रश्न करूंगा, नियम ये होगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर, के लिए ठीक। हाँ जी, प्रश्न की, हाँ जी, तो प्रश्न ये है कि जब वेदों का भाष्य शुरू हुआ तो सबसे पहले भाष्यकार कौन थे, आप बता सकते हो, थोड़ा आइडिया देंगे। जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। हाँ जी, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, सबसे पहले जो थे, सबसे पहले बच्चे वो थे हमारे महाराज मुनि। अरे मैं भाष्य की बात कर रहा हूँ, मैं भाष्य की बात कर रहा हूँ। मैं भाष्य का मतलब किसी बात को परिभाषित करना ही होता है मेरे भाई। भाष्य का मतलब होता है कि किसी बात का ट्रांसलेशन करना होता है। ट्रांसलेशन आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन का भी मतलब यही होता है कि उसी बात को प्रमाणित करना। मैं इंग्लिश वर्ड में भी उसी बात को प्रमाणित नहीं करना है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि उसको ट्रांसलेशन का मतलब तो यही होता है, जनसाधारण के लिए बताना, ठीक है ना जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। तो जो सबसे पहले भाष्यकार हुए वो हुए, उनका नाम है उवट। कौन उवट? उवट नहीं भैया,
सबसे पहले जिन्होंने किया था वो महाराज मनु थे। अरे भाई भाष्य कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन शुरू करी, वेदों को एक्सप्लेन करना शुरू किया उसने। वेदों को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, कि वहां पर संविधान एक ऐसा दिया गया है वेदों में भाई। और अगर लेना चाहते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो मैं आगे और भी नाम बता देता हूं आपको। अच्छा बताइए। शंकराचार्य जी, वो हैं आर्यभट्ट जी, वो हैं विश्वामित्र जी, वो हैं ऋषि श्रृंग जी। तो मैं अभी 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ। अभी तक लोग 19वीं सदी की बात क्यों कर रहे हैं भैया जी? सबसे पहला आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐत्रेय महिदास जी थे भाई, ऐत्रेय महिदास जी। करना नहीं, भाष्य का मतलब होता ट्रांसलेशन। हाँ भैया, मैं भी उसी चीज को कह रहा हूँ, उन्होंने ट्रांसलेट किया। अगर आपका है, अरे प्यारे भाई, अगर आपके पास इन सबके प्रमाण हैं तो आप प्रमाण हिस्टोरिकली एविडेंस दें। मेरे पास प्रमाण है, और प्रमाण ये है कि सभी सनातनी मनुस्मृति को, चाहे आप हो और चाहे यूरोपवासी हो, ठीक है, वो मनुस्मृति को सबसे पहला ग्रंथ मानते हैं कि ये लिखा गया। किसने कहा के आधार पे लिखा है? वेदों को किसने बताया? किसने बताया? हाँ मैं बता देता हूँ आपको नाम, एक मिनट। देखिए आप पढ़िए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, जिसमें कि पेज नंबर 260 पर। मेरे प्यारे भाई, इनसाइक्लोपीडिया अलग चीज होती है। आप मुझे ऐतिहासिक प्रमाण दें जिसमें सरकारी हो, ऐसा का कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वेदों का ऐसा ही प्रमाण उन है ही नहीं। 1464 से आगे की पुराना कोई वेद ही नहीं है भैया। जर्मन के दार्शनिक हैं, एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध फ्रीडरिच नीत्से, उन्होंने लिखी पुस्तक मेरे भाई नंबर 126 पर लिखा है। आपकी आवाज कट रही है भाई, आवाज कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं फ्रीडरिच नीत्से, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द विल टू पावर, उसके वॉल्यूम 1 बुक 2 पेज नंबर 126 पर उन्होंने बताया है। क्या बताया है? कि वो वे, वे, कि वो उन्होंने प्रमाण दिए हैं हिस्टोरिकली है। हिस्टोरिकली है और क्या लिख दिया है? मान्यता को लिख देना अलग बात है, हिस्टोरिकली प्रमाण देना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप पुराने किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मानते? मेरे प्यारे भाई, उसके वैज्ञानिक कौन सा वैज्ञानिक है? वो दार्शनिक कह रहे हो कि वैज्ञानिक कह रहे हो, पहले ये कंफर्म करो। आप दर्शन को क्या समझते हैं? मेरे भाई, हम दर्शन को एक किसी का इंसान का व्यू समझते हैं, कोई किसी का भी दर्शन दे सकता है। पूछ रहा हूँ कि क्या आप दर्शन को साइंस नहीं मानते? दर्शन किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दर्शन साइंस नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, फिर मुझे फिर से दीजिए टाइम और मैं आपको बताता हूँ कि आप दर्शन क्या कह रहे हैं। क्या बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ भैया जी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं आपको प्रमाणों सहित बताऊंगा। जो सवाल पूछ रहा था वो तो आपने मुद्दा ही खो दिया, मैं जो पूछना चाह रहा था। मुद्दा कहाँ खो दिया? हिस्टोरिकली बता रहा हूँ मैं आपको। आपने हिस्टोरिकली पूछा, मैं कुछ और रहा था। तुम तो, आप तो कहीं और चले गए हो, मेरा तो सवाल अभी तक पहुंचा ही नहीं। आपने जो पूछा था कि इसका कोई प्रमाण हिस्टोरिकली है क्या, मैं वही बता रहा हूँ भैया। और आप हैं मान ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो तो दर्शन की बात कर रहा था व्यक्ति। आप ही ने कहा दर्शन, दार्शनिक। हाँ, मैंने तो नहीं कहा दार्शनिक। हाँ, और कुछ? ठीक है ना, तो दार्शनिक कौन होता है? लीजिए मैं बता देता हूँ आपको, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं फिलोसफी के, मैक्स बर्न, वो बता रहे हैं कि आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट न्यूटन
फिलोसफर से वो कर रहे हो, फिलोसफर सैद्धांतिक भौतिकी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। अरे तुम्हें ये भी पता है अच्छा फिलोसफर का मतलब देख के बताओ क्या होता है, क्या होता है फिलोसफर? वैज्ञानिक होता है यार मेरे भाई, आप कहाँ से यार? ये वैज्ञानिक ही है जो ये बात कह रहा है। और अगर आप आइंस्टीन की बात को सुनना चाहते हैं तो मैं आइंस्टीन की भी बता दूं। क्या बोलो आइंस्टीन क्या कह रहे हैं वो भी बता दूं आपको? ठीक है ये सुनिए एक मिनट। ये किस किताब का आप वो कर रहे हैं भैया? वैज्ञानिकों के बता रहा हूँ, उनकी वेबसाइटों पे पड़ी हुई बातें बता रहा हूँ जो आप चेक कर सकते हैं इस समय। और वो बता रहे हैं आइंस्टीन जी, एल्बर्ट आइंस्टीन, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड, द वेन टू नो हाउ गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और डेट फेनोमेनन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस और डेट एलिमेंट आई वॉन्ट टू नो हिज थॉट्स। तो इसमें आपका कहां से मनुस्मृति आ गया? ये क्या है, ये क्या है, ये दर्शन है कि विज्ञान है? ये मेरे भाई दर्शन है, दर्शन है या विज्ञान है? दर्शन है मेरे भाई, विज्ञान क्या करता है उसे प्रमाणित करता है। साइंटिस्ट इस बात को कह रहा है, वो दार्शनिक है क्या? अरे मेरे भाई साइंटिस्ट अपना विचार दे रहा है, बिना विचारों के वो कोई भी साइंस की चीज ईजाद कर लेता है क्या? क्या करा उसने, क्या क्या करा उसके बाद इसका? उसने क्वांटम थ्योरी निकाली क्या? उसने वेदों के नाम लिया क्या? वो तो बोलेगा ही। आइजैक न्यूटन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ द थंब अलोन वुड कन्विंस मी ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। वो कह रहे हैं किसी भी अन्य सबूत की अनुपस्थिति में अकेला अंगूठा मुझे भगवान के विद्यमान होने का विश्वास दिला देगा। क्या ये दर्शन की बातें कर रहे हैं? वो दर्शन की बात कर रहे हैं विज्ञान? क्या उसने न्यूटन ने भगवान की अरे मेरे भाई तुम तो कहाँ पे कहाँ घूम रहे हो? अभी तक तो मैं जो अपनी बात कर रहा था उस पर। अगर आप ये कह रहे हैं कि साइंस का मतलब ये होता है कि हर बात का प्रमाण, यही कहना है क्या? हर बात का प्रमाण, तो हर बात के प्रमाण के लिए अब आप मुझे बताइए कि बिग बैंग की थ्योरी दी है साइंस ने, जब उनसे पूछा गया कि भैया ये बताइए कि ये दुनिया कैसे बनी, तो वो बिग बैंग की थ्योरी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया पहले प्रोटॉन और फोटॉन्स आपस में टकराए और जिसकी वजह से एक बड़ा विस्फोट हुआ और ये सृष्टि बन गई उनके पदार्थों के फैलने से। ठीक है, उनसे सवाल किया गया कि भैया बिना किसी कारण के, बिना किसी व्यक्ति के या बिना किसी बल के ये आपस में टकरा कैसे गए? सबसे पहली क्रिया उनसे पूछी गई थी और उनका जवाब वो आज तक नहीं दे सके। और ऐसे मेरे पास 100 सवाल हैं, 100 जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं दे सकता। जिसने अरे प्यारे भाई मेरा जो सवाल था तुमने तो उसको वहां तक जाने ही नहीं दिया भैया, वहीं तक है। अरे मेरे भाई वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा, अगर ऐसे ही टाइम खराब करना है तो कर लो, क्योंकि मैं जो पूछना चाह रहा था वो तो पूछने दे ही नहीं रहे हो, आधा घंटा खराब कर लिया है। चलो ऐसे टाइम खराब करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहो बात, एक घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे जाना है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। अरे मेरे भाई जब मैं जो बात मैं कह रहा, चलो आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहो, नो प्रॉब्लम। तो मैं अपना जवाब दे चुका। कोई तो मैं, अरे मैंने तो सवाल किया ही नहीं, जो मैं सवाल करना चाह रहा था उसको आपने करने ही नहीं दिया। अच्छा फिर से कर लीजिए, फिर से मौका दे रहा हूँ मैं आपको दोबारा से। ये कह रहा हूँ कि जो ऊवट था उसने वेदों में नियोग कराया था घोड़े के साथ, आपने ये पढ़ा है? कौन ऊवट? अच्छा बात कर लीजिए, किससे पहले पूरी बात कर लीजिए आप। हाँ आप कह रहे हो कौन ऊवट? महीधर ऊवट जो 19वीं सदी में था उसने आपकी बात को पूरी सुन ले, सुन लीजिए। महीधर ऊवट ने वेदों का जो ट्रांसलेशन किया
उसने यजुर्वेद का जो ट्रांसलेशन किया, एक सेकेंड, उसने यजुर्वेद क्या कहते हैं 23 का 19 से जो ट्रांसलेशन किया, उसमें उसने क्या करा कि घोड़े के साथ नियोग की प्रथा बताई, ठीक है ना। उपनिषद की बात कर रहे हैं आप, मैं वेद यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ, महीधर का। यजुर्वेद में कहाँ पर लिखा है आप मुझे बताएंगे? मैं आपको अभी 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 मैं आपको उसी टॉपिक पे ले जा रहा हूँ, अब वो चीजें बदल दी गई हैं। तो वो आपने यूज किया है यजुर्वेद, आपने शब्द यूज किया है यजुर्वेद, बताइए कहाँ पर लिखा है। यजुर्वेद 23 एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड मैं भी देख निकाल लूं। कहां चला गए? ये है यजुर्वेद का 32 का 19 20 से चल के आगे तक जाता है। 32 का एक मिनट, 32 का कितने कितने नंबर? यजुर्वेद 32 का 19 से 20 अरे सॉरी, एक सेकेंड, 23 का 19 से लेके 29 तक हैगा। उसने उसमें स्त्री का घोड़े से नियोग की बात करी थी, ठीक है। अध्याय 32 के आगे, एक मिनट, आप अध्याय यजुर्वेद के अध्याय 32 के मंत्र नंबर 32 के 19 से 20 तक देखिए, इधर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे हाथ में यजुर्वेद, ठीक है साहब? बहुत जोर से हिला रहे हैं आप फोन। आप अभी देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको यजुर्वेद, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ इसका ये 32वां अध्याय और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे 32वां अध्याय का 12वां मंत्र लिखा है, 15वां मंत्र और आगे देखिए, 16वें मंत्र पे खत्म हो गया, 33। क्या बात कर रहे हो, कौन सा है? एक मिनट मैं भी चेक कर लूं। अरिश यजुर्वेद 23 क्या हुआ भैया जी? अरे रुक जाओ भाई, मैं भी तो खोल के देख लूं। क्या कितने मंत्र पे खत्म हो गया? क्या मेरे भाई, हेलो कहाँ गए? हेलो कहाँ चले गए? हेलो हेलो, हाँ कितने मंत्र पे आपका यजुर्वेद खत्म हो गया? हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, तो मैं, आपने कितने का यजुर्वेद? अरे कितने वो बच्चे हैं भैया, मेरे पास ये यजुर्वेद है और आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? यजुर्वेद है ये मेरे पास, यजुर्वेद में यहाँ पर 32 में अध्याय पन कर रहे हैं। यजुर्वेद में कितने मंत्र? सॉरी कितने मंत्र आ गया, यजुर्वेद ही पकड़ रखा है मैंने। अरे कितने मंत्र है भाई? भैया कितने मंत्र से मतलब नहीं, प्रश्न जो जहाँ से आपने पूछा है वहाँ पे रहिए। अरे यार, आपने जो आरोप लगाया उसे सिद्ध कीजिए, कहाँ लिखा है? मैंने बोला यजुर्वेद 32 का 19 से 23 मंत्र, क्या उसमें 19 से 23 मंत्र नहीं है? आप देख लो, आप देख लो, ये लो देख लो, यहाँ पर केवल
यजुर्वेद में 32वें अध्याय में केवल 16 मंत्र हैं। यहाँ आप कह रहे हैं आगे 1920 कहाँ से लिया है? यजुर्वेद आधा है क्या? आपका यजुर्वेद आधा है? यजुर्वेद में कम से कम भी नहीं तो मेरे पास जो है मैंने भी ऑनलाइन। अब आप मुझे बताएंगे कि मेरी किताबें पूरी हैं या आधी? जी अभी तो देखो ना 65 मेरे पास तो 65 मंत्र आ रहे हैं अब तो। मैं एक सनातनी हूँ या कोई मुसलमान आपको बताएगा कि आपकी बाइबल पूरी है या अधूरी? या आप जानेंगे कि मैं जानूंगा? मैं मंत्र है उसका बकायदा दयानंद सरस्वती उसके बारे में लिख रहे हैं कि उसने इसमें ये लिखा है दयानंद उसका उसने उन्होंने भाष्य को रिजेक्ट करा तो वो अपने सपने में लिख रहा है यार। हाल बात कर रहा है मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि अगर आप मेरे बारे में कोई जीवनी लिख रहे हैं या मेरे बारे में कुछ बताने के लिए लिख रहे हैं आप उसमें अपनी मर्जी से अगर कुछ चार लाइनें लिख दें तो क्या उसको मेरी जीवनी मान लिया जाएगा? क्या चीज मेरी जीवनी मान लिया जाएगा क्या? मेरे हाथ में यजुर्वेद है और आप कह रहे हैं यजुर्वेद के 1920 तक लिखा हुआ है, यहाँ तो 16 मंत्र हैं 32वें अध्याय में। मेरे भाई बच्चे उनसे सरस्वती के ऋग्वेद भाष्य का क्या नाम है युधिष्ठिर मीमांसा में जाके खुद क्रॉस चेक करके आओ, उसमें भी उन्होंने उसका बकायदा मेंशन किया है। आपका तो वेद ही आधा है फिर तो। भाई खड़े हुए तो मैं पड़ोसी से पूछने क्यों जाऊं? अरे मेरे भाई यजुर्वेद के 19वें अध्याय के अंदर कम से कम भी नहीं तो मेरे पास तो अलग वो दिखा रहा है ना। अब वेद भी अलग है तो कमाल की बात है। तो आपका वेद आधा हो गया भाई, ये तो और अच्छा है कि वेद भी एडिट हो गया। अब वो चीज नहीं हुआ जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बात सिद्ध नहीं हुई। अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो भी कोई लगाया ऋग्वेद भाष्य का क्या कहते हैं युधिष्ठिर को बाद में जाना वेद को बाद में जाना। अरे मेरे प्यारे भाई सुनो, आपने एक प्रश्न किया, 10 नहीं करोगे, एक किया उसका जवाब मिल गया। तो अपना वेद मिल गया, यजुर्वेद में वो लिखा ही नहीं है, केवल 16 हैं उसमें। मैंने क्या बोले हैं आपने? 1920 बता दिए। मैंने अब मेरी बारी है, अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं वो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। आप मेरे को वो करते रहे कोई बात नहीं। यजुर्वेद में और भी है कम से कम क्या कहते हैं यजुर्वेद में तो अनेकों मंत्र हैं, आप एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। मैंने एक भी अभी प्रश्न कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप प्रश्न कंप्लीट करने नहीं दे, आप अपनी नहीं है, आप अपनी रहे मेरी बात को कंप्लीट होने नहीं दे रहे। आपने कहा यजुर्वेद में 19वें और 20वें मंत्र पर 32वें अध्याय के ये बातें लिखी हुई है, कहा नहीं? ठीक है, आपका वेद आना है समस्या नहीं है। आप अपना गाना रोना गाते रहो, आपका वेद आधा है, मैं क्या करूं? टाइम खराब कर रहे हो मेरा। आपकी प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ 65 मंत्र है, मेरे हाथ में यजुर्वेद है, मेरे पास 65 मंत्र आ रहे हैं, मैं ऑनलाइन भी चेक कर रहा हूँ। मेरी किताबें हैं और आपने मेरी किताबों पर आरोप लगाया, मेरी क्रॉस चेक कर रहा है और इसका 32वां अध्याय लीजिए आपके यजुर्वेद वालों ने उसे गायब कर दिया।
यजुर्वेद वालों ने गायब कर दिया। हाँ क्योंकि उसमें तो नियोग था ना, वो तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि हुआ कि नहीं हुआ ऐतिहासिक रूप से कि नहीं। आप ये मानव भाई मेरे साथ में खड़े हैं, कैसे दिखाई नहीं दे रहे, मैं पड़ोसी से जाकर पूछूं। आप ये कहना चाहते हैं कि मानव भाई मेरे साथ में खड़े हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कैसे मैं पड़ोसी से जाके पूछूं। अच्छा हुआ वो आप मजे लें, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पता नहीं क्या, अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप करते रहे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, आपने मेरा सवाल ही नहीं होने दे रहे, आप डिस्टर्ब करे जा रहे हो। सवाल आपने दो दो कर लिए, अलग अलग दो प्रश्न कर लिए, अलग दे रहे, सवाल कहाँ करने दे रहे हो, बोलते रहो, और मौका पूरा करने ही नहीं दे रहे, अपनी गाना गा रहे हो। अब यजुर्वेद में से तुम्हारे गाना है तो मैं क्या करूं, मंत्री के आदमी है, ने यही सिखाया आपके बाइबल के ईसा ने यही सिखाया आपको, कोई बात नहीं, आप गाना गाते रहो, कुमार सामने हो तब भी आंखें बंद कर लो, आपके आप कितना हम लोग वेदों ने तो कहा है तर्क पर और विज्ञान के आधार पर, ये दोनों कसौटियां इस पर जांचना, पुस्तकों को सामने कहां से विज्ञान आ गया मेरे भाई, अभी तो सवाल करने ही नहीं दे रहे। अब बताइए दो अलग अलग जगह पर आप सवाल कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि ना मुझे सवाल नहीं रहे, टाइम खराब रोत गाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटे के बाद में आप पूछ काटा, आप टाइम खराब कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अभी भी आप कर सकते हैं। अरे प्यारे भाई आपके दो दो प्रश्नों के अलग, अब मेरी बारी है, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, अब आप सोच लीजिए कि आप उत्तर देने हैं या नहीं। मेरा कंप्लीट होने दो, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर मैं अपनी बात साबित करूं आपकी वाल्मीकि रामायण से तो मान लोगे, बोलो, आपकी वाल्मीकि रामायण में हो रहा है नियोग घोड़े के साथ, मैं क्या करूं। सर्ग 14, अब ये मत कहना कि वाल्मीकि रामायण में 14 सर्ग नहीं है, बालकांड बोलो, कहां गए, हेलो हेलो, बोलो भाई, मैं आपको रामायण सुनाता हूं ना, अगर उसमें यजुर्वेद में नहीं है तो ये कौन सा सस्ता नशा करके लिखा है इसमें, कहां गया भाई, हेलो, हेलो, होल्ड पे होल्ड पे होल्ड पे, हेलो हेलो, आपकी वाल्मीकि सूझ पीस को तस्दीक कर रही है, मैं क्या से कहूं, अगर वाल्मीकि रामायण से भी अगर नहीं युद्ध कर सके, फिर अगर मैंने कर दिया फिर आप फेर, अब आप वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि भैया मैं आपको तीसरी बार, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं तीसरी बार फिर से मौका दे रहा हूँ कि आप वाल्मीकि रामायण से प्रूफ करना, लेकिन अगर प्रूफ नहीं कर सके तो मेरी बारी, मैं प्रश्न करूंगा। ठीक है, आप वाल्मीकि रामायण खुद ही खोल ले, सर्ग 14 ठीक है या नहीं है, हाँ या ना, मुझे बोलने तो दोगे कि नहीं, या ऐसे ही टाइम खराब करना है। अरे भैया तो करो, आपने कहा वाल्मीकि रामायण में,
आपने कहा वाल्मीकि रामायण में, मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से सवाल करने ले दूंगा मैं वाल्मीकि रामायण पर आपको, और वाल्मीकि रामायण सर्ग 14 लेकिन लेकिन अगर उससे बात नहीं हुई तो फिर मेरी बारी में आपसे प्रश्न करूंगा। अरे भाई पेड़ को बोलने तो दोगे, प्रश्न तो करते ही रहोगे, आधे से ज्यादा मेरा टाइम खराब कर रहे हो। इसी को तो कहते हैं मूर्खों की भाषा में अपनी भाषा ही करनी है। आप रहने दो, टाइम खराब कर रहे हो, आपके पास समय कम बच रहा है, और अब मैं फिर मैंने आपसे एक घंटे का बात करी थी, आपकी बस की टाइम खराब करी है क्या? आपकी बस की नहीं है, आज आप टकराए हैं, बोलते रहो मेरे, आप वक्त खराब करते रहो, प्रमाण नहीं है, किताबें नहीं है, मैं बैठा हूँ तो आपकी पढ़ रही है, आपको सुनना कुछ नहीं है, आपको अपना रंग होना है, कोई नहीं सुन रहे, हाँ बोलते दो ही मत, अपना गाना गाते रहो। आप अपनी बात प्रमाणित नहीं कर सके तो क्या आप मुझे प्रश्न करने देंगे? बोलने तो दोगे, प्रमाणित नहीं कर सकते, घोड़े की कुर्बानी भी तो लिखी है ऋग्वेद में, करने में क्या जा रहा है? ये तो बताओ मेरी बारी मानोगे कि नहीं मानोगे? प्रश्न करोगे? अरे गाते करोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऋग्वेद में क्या क्या कहते हैं, ऋग्वेद में घोड़ा भी तो काटना है, ऋग्वेद अब एक एक करके आएगा और पूरे प्रमाण सहित उत्तर दूंगा। मैं पहले बता, मैं पहले बता चुका, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ईसा कब पैदा हुआ, नहीं रहे हो अपनी बीच रहे हो, तो रोते रहो, कोई बात नहीं, मैं खाली हूँ ना, टाइम खराब करना तो करते रहो, कर रहे हो आप। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, थर्ड पार्टी से बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, आप यीशु है, पुलिस से थे, तीसरे व्यक्ति है, आप मुझे बताइए कि इनके दो प्रश्न हो चुके कि नहीं हो चुके? ना मेरी तरफ से बोलना, ना आप सवाल बताइए, बीच में बोले जाओ, बोले जाओ, मैं भी बोलता रहूंगा, वैसी होगी डिबेट। प्रमाण दिया मैंने, बीच में कहा बोल रहा हूँ मैं, प्रमाण दिया, किताब दिखाई आपको सामने, वीडियो पे कर दिया। अरे वीडियो की ऐसी की तैसी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को सवाल करने नहीं दे रहे, अपना ज्ञान बीच में दिए जा रहे हैं। कैसे करेंगे भैया, हमारे बस की नहीं है, आपकी बस की नहीं हो रही है भैया, आपसे मैंने एक आपने सिर्फ टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है ना, मैं तो सामने दे रहा हूँ, चीजें सामने दे रहा हूँ, सुनने की वाल्मीकि रामायण पे कूद रहे हैं, पहले आप वेदों पे गए, फिर यजुर्वेद पे गए, फिर वाल्मीकि रामायण पे जाते हैं, मेरी बारी कब आएगी ये भी बता दीजिए मुझे, करनी है तो करते रहो मेरे भाई, मेरी बारी कब आएगी ये भी तो बता दीजिए भैया, कोई चीज मेरे को अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करने दे रहे, मैं कह रहा हूँ उसमें नियोग प्लस की बलि है, मुझे कंप्लीट तो करने दो, बोलने ही नहीं दे रहे, बोलते हो यार, आपने कहा, अरे तुम निकलो यार, मानिकता क्या है, सबसे पहले बात है किसने किया, मैंने बता दिया, आपने यजुर्वेद में मंत्र पर ये बात लिखी है, मैंने दिखा देने लिखी है, अब आप वाल्मीकि रामायण के लिए जा रहे हैं, अरे बोलने तो दे नहीं रहे हैं, आपको टाइम खराब करके कि मेरे से सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, टाइम खराब करके ये कि सवाल पूछने नहीं दिया, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मतलब जानते आप मतलब जानते, कंप्लीट तो करने दो, आपको हर चीज के बीच में टांग मारनी है, मुझे आप अपना गाना गाते रहो, बोलने दे नहीं रहे हो, आपको पता है कि सवाल बोल दिया तो बैंड बच जाएगी, मुझे बोलने नहीं, मंत्र इतना अध्याय इतने पर ये बात लिखी हुई है, घोड़े के साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपने बोला, मैंने बोला ये नहीं रहे हो आप, भैया मैंने दिखा तो दिया, और कैसे देखोगे, आपको नहीं देखा या किसी और से देखोगे, मुझे बात करने नहीं दे रहे, मुझे बताने नहीं दे रहे, आंखों से देखोगे क्या, आपको दिखाई दिया नहीं लिखा हुआ है, आप आंखों से ही देखोगे, किसी और से देखोगे, पास भी है, और जिसको दयानंद सरस्वती खुद कह रहे हैं उसका रेफरेंस दे उसको रिजेक्ट कर दो, तो छोड़ दोगे ईसाई धर्म, मेरे को बोलने नहीं दिखा सके तो बोलो छोड़ दोगे ईसाई धर्म, या हमेशा एडिट, अरे यार तुम टाइम खराब करते रहो, बस थोड़ी देर के बाद टाइम खराब कर लो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बोलने दे लो,
अरे जितना बोलने दूं आप और कितना बोलने दूं आप, आपने तीन तीन बार कर दिया, आपके दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तीसरा रामायण पे जा रहे थे वाल्मीकि रामायण पे, अब मेरी बारी कब आएगी प्यारे भाई? प्रश्न नहीं यार, जी बाप को पैदा हुआ, राम कब पैदा हुआ, कैसे पैदा करवा लेता है तुम्हारे ईश्वर, क्या बता दीजिए, क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारा ईश्वर घोड़े से नियोग करवा देता है के पेट से, तो बता ये तो बता दीजिए मेरे भाई, घोड़े के पेट से नहीं है, टपके थे मेरे सामने रखे हुए, अरे मेरे सामने की बात छोड़ो, श्री राम कौन सी खीर की कटोरी से टपके थे, कौन से घोड़े का वीर्य था, अरे सवाल करने नहीं दे रहे, क्यों लिखा हुआ है, सुनो मैं सुनो, पैदा होते कर लेता है, अरे सुनो फिर ईश्वर है कौन सा बयान लगा रहा है तुम्हारा बाइबल वाला ईश्वर, जो कि पेट से बच्चा भी निकला और वो 100 साल का है, से नियोग करवा रहा है और वहां पे कौशल्या जी कर भी रही है, अगर ठीक है, अगर नियोग की ही बात है, अगर नियोग की ही बात है पहले सुन लीजिए, आपने नियोग की बात उठाई है, मुझे बताइए नियोग को रहे आप नियोग को मानते हैं, कौशल्या जी ने घोड़े से किया, इतना तो बताइए कि को मानते हैं सही मानते हैं, अब आप क्या मानते हैं, डिस्टर्ब करते रहे, अब आपको गलत मानते हैं सही पहले बताइए, किसको क्या मानते हैं आप, नियोग को गलत मानते हैं या सही मानते हैं, नियोग भाई घोड़े के साथ नियोग कर रहे हैं ना आपके यहाँ, तो अब आप घोड़े के साथ मानते हैं गलत मानते हैं, आपका ईश्वर क्या कहता है इस मामले में, नियोग क्या चाहिए, नहीं मैं घोड़े के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे सवाल करने मत दो, करते रहो, नहीं होना चाहिए, पैदा हो गया श्री राम घोड़े से पैदा हो गए, कमाल का साइंस, कौन सा कहाँ से पैदा हो रहा है ये मैं अपने पुस्तकों से आपको बता दूंगा, पहले आप ये बताइए नियोग गलत है आपकी नजर में या सही है, आपके भाई को क्या कहना है, करते रहो, आपका श्री राम घोड़े से पैदा हो गया, कहने का आपने कह दिया श्री राम के लिए अपशब्द कह दिए, लेकिन ऐसे तो ये भी हो सकता है कि आपको भी किसी घोड़े ने पैदा कर दिया हो, ओहो लग गई मिर्ची, तो भैया बताइए बाइबल का ईश्वर क्या कह रहा है, नियोग सही है या गलत है, बस बकवास करते रहिए, नियोग सही है या गलत है, नियोग आपके यहाँ घोड़े के साथ सही है या गलत है, अरे यहाँ नियोग सही है या गलत है ये मैं बताऊंगा, पहले आप तो बताइए कि आपके बाइबल के हिसाब से नियोग सही है या गलत है, तुम्हारे बोलने नहीं जा रहा, तुम्हारे रहे हो आप मेरे से पूछ रहे हो, अरे बस रहने दो, बाइबल पे भी बाइबल के ईश्वर पे भी भरोसा नहीं है, राय के धारे पर आप भी भरोसा नहीं है, और आप यहाँ तक नहीं बता पा रहे हैं कि भैया बाइबल सही मानता है या गलत मानता है, औरतों को भेड़िया कहता है, इनका मन भेड़ियों के समान है, ईश्वर औरतों का बलात्कार घोड़े से करवा रहा है, गलत है हिसाब से क्या आप, अरे मेरे बोलते रहो, नियोग घोड़े के लगाते उससे क्या होता है, आरोप लगाने के लिए तो आपके अड़ोसी पड़ोसियों ने भी कहा होगा कि आप पड़ोसी की पैदाइश हो, ये तो कोई भी कह दे, लेकिन उसको प्रमाण भी तो करना पड़ेगा, वो घोड़े की पैदाइश है खीर की कटोरी से, दशरथ नपुंसक था, तीन तीन शादियां करी तो आप पैदा हो रहे थे, ठीक है ना, प्रमाणित होगी कि आप अपने बाप की पैदाइश, आप पहले मुझे बताइए कि बाइबल का ईश्वर जो सही मानता है कि गलत मानता है, अरे बाइबल का ईश्वर नियोग को सही मानता है या गलत मानता है, तुमने सिर्फ टाइम खराब करना है, यंग हिंदू शो के बस की आप उसका लंगोट बाइबलियों के पास बुद्धि तो है नहीं, वो पैदा होते किसी बच्चे को 100 साल का कर लेते हैं, और किसी कुंवारी को पैदा करा लेते हैं वो भी बिना बाप के, ये बाइबल का घोड़े से, अरे यार श्री राम की बात कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो श्री राम नियोग से पैदा हुआ, बाकी घोड़े का लिंग उधर नियोग से पैदा हुआ, तो पहले ये तो बता दो नियोग सही है या गलत है बाइबल के ईश्वर के हिसाब से, पहले मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस आपने ही रूल बनाया था, पहले सवाल कंप्लीट कहना चाहते हैं कि मैं जो बोल दूं बस यही प्रमाण है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ आप बोल दें बस वही सच है,
मेरे को तो आप जो बोल रहे तो मैं उसे सत्य मालूम, मुझे बोल नहीं दे रहे हैं। बोलोगे तो तब बोलोगे तो तब जवाब सही बात कह रहे होगे। अब मैं अपना ना रिजेक्ट पहले से बोल के टाइम क्या किताबों के आधार पर प्रमाण के आधार पर बात हो रही है यहाँ पर, अपनी मर्जी की बात नहीं हो रही है। अरे सनातन धर्म का अरे जाओ भाई, आपने घोड़े से श्री राम पैदा करवा दिया यार। सबसे नियोग जो है वो सही है या गलत है, घोड़े से करना सही है या गलत है सनातन धर्म के हिसाब से? अरे भैया घोड़े से तो कहीं पे हुआ ही नहीं है, पहले आप बताओ नियोग सही है या गलत है बाइबल के हिसाब से, तब मैं उस पर जवाब दूंगा। अरे बोलने तो दो, घोड़े के हिसाब से नियोग सही है या गलत है? घोड़े के साथ क्यों लेटे, क्यों सोई, क्यों करा, बोलने तो नहीं क्योंकि वहां से करवा रहा है। लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से बच्चे पैदा कर रही है। हाँ तो लूत कौन है? लूत कोई नहीं है, लूत आपके लिए हो रहा है, पैदा हो रहा है अपना नियोग से पैदा हो रहा है। हाँ तो वो तो क्या हो गया, पैदा हो रहा है राम तो घोड़े से पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना? अरे भैया तुम्हारा ईश्वर किससे पैदा हुआ था ये भी बता दो, तुम्हारा जीसस किससे पैदा हुआ था ये भी बता दो, और प्रमाण दे दो। मैं बता दूंगा मेरा राम कैसे पैदा हुआ, प्रमाण से हुआ था घोड़े से हुआ। जवाब नहीं है तो भाग जाओ। तुम आधार के आधार पर बताऊंगा, आप इन तीनों में से किसी एक के आधार पर बता दो कि कुंवारी कन्या से तुम्हारे जीसस ने किस तरीके से नियोग करके पैदा करवा लिया। तो इस साइंस के आधार पर बता दो, एक स्त्री का घोड़े से सेक्स करके बच्चा कैसे पैदा हुआ? अब तो मेरी बारी है, आपके तो सवाल तीन तीन हो चुके, मैं सवाल करूंगा आप उत्तर देंगे। अरे पहले सवाल तो मेरा कम्प्लीट होने देता ना, करने तो दे नहीं रहे। अरे घोड़े पंचन हो गए दोनों बेटियां पैदा हो रही है, नियोग से पैदा हो रही है, अपने बाप से करवा रही है तब पैदा हो रही है। जिससे भाई आपके तो हो रहा है उसके बाप का पता नहीं है, जिसके बाप का पता नहीं है, किसकी संतान है, क्यों करवा रही है, किससे पैदा हो रहा है, अरे कौन किस पैदा हो रहा है, पता नहीं आपका बाप असल कौन था। घोड़े से पैदा हो गए, खीर जन्नत से उतर गई, उससे बात करना, घोड़े से बात करना, मेरे से जब बात करना जब सुनने की दम हो पूरा सवाल करना। आप में नहीं है, आप नहीं है, आप चाहते, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बात पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं होता। यहाँ विज्ञान के आधार पर और तर्क के आधार पर होना चाहिए, आपको सुनने का दम होना चाहिए। आपको प्रमाण दिखा दिया यजुर्वेद का, आपने यजुर्वेद का आरोप लगाया, मैंने दिखा दिया। अब आप अगर फिर भी मूर्ख रहना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा। पॉइंट प्रूफ करने ही नहीं दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि ये डेविड खड़ा हुआ है और वो मेरे बराबर में खड़ा हुआ है, मैं उससे ना पूछूं तू कैसा है, मैं जाके पड़ोसी से पूछूं वो कैसा है। मेरे भाई आप मेरे को बात करने नहीं दे, मेरे को अपनी सुनने, अगर आपको यही करना था तो अपने चैनल पे जितना शोर मचाते करना, अगर करने का मैंने तो आपको दे दिया जवाब है, तो आराम से रहो। मैंने आपको जवाब दिए, आपके जवाब नहीं बन रहा है, आपने नियोग के भी बात उठा दी। मैं तो नियोग तो कुछ नहीं दिया, आपको नियोग गलत दिखाई दे रहा है तो बताइए बात का ईश्वर क्या। अरे भाई बोल, मूर्ख इंसान हो आप, उन्हें सिद्ध कर दिया, अखंड मूर्ख है सनातनी, इनसे सुनने का और डिबेट करने का ज्ञान है नहीं, आ जाते हैं समय बर्बाद करने। मतलब मतलब होता है एक सवाल आप करेंगे, एक मैं करूंगा, एक करा देंगे, एक को कर दूंगा। अब आप रहने दीजिए, अब आप जा सकते हैं, मेरा समय हो गया कंप्लीट। जो आपकी नहीं है, आपकी बस की नहीं है डिबेट करना, इसे एक भी सवाल दिया जा रहा, कैसे जीसस को पैदा करवा लिया, आपने मेरी को कन्या से कैसे नियोग कैसे हो गया, मुझे इसका तो जवाब दे दीजिए। मुझे पैदा करवा लिया आपने, लूत की जो दोनों बेटियां हैं अपने बाप संभोग करके बच्चे पैदा कर रही है, किस तरीके से हो रहा है, इसे दफा करो। यह बंदर है, इसके दिमाग में कीड़ा है और इसका सटक चुकी है पूरी तरह। आप नहीं बता पा रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। उत्पत्ति 1931 से 28 में लिखा है कि लूत की दोनों बेटियों का जो बच्चा पैदा हुआ है वो कैसे हुआ है,
और बाइबल का अजीब विज्ञान ये है, उत्पत्ति 21 की चौथे और पांचवे में लिखा है कि ईसाक जन्म के समय 100 वर्ष का था, अब पेट में क्या बच्चा 100 वर्ष का हो सकता है? ये कौन सा विज्ञान लगा रहा है आपका बाइबल का ईश्वर? कौन 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 बाइबल का जो ईसाक पैदा हो रहा है वो उत्पत्ति 21 के चौथे और पांचवें रूल में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ईसाक जन्म के समय 100 वर्ष का था। मेरे भाई एक मिनट, ईश्वर तो मैं आपके मुंह पे पढ़ूंगा, जरा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे रुक जा मेरे भाई। हाँ क्या उत्पत्ति का, उत्पत्ति किसका रूल नंबर चौथा और पांचवा? किस 21 का? 21 का चौथा और पांचवा। एक मिनट, चौथा और पांचवा यहाँ लिखा है, जब इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना उसका खतना कराया, जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। इब्राहिम के बारे में बात हो रही है, 100 वर्ष का कैसे हो गया? उत्पन्न होते ही 100 वर्ष का कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति 100 वर्ष का था, कौन सा साइंस लगा दिया, कौन सा साइंस लगा दिया उत्पन्न होते ही 100 वर्ष का कैसे हो गया? अरे मेरे भाई पूरा इंसान इब्राहिम का रह रहा है, अरे पगलेट इंसान इब्राहिम की उम्र 99 साल पेट में रह लिया क्या? जब उसका खतना हो रहा 8वें दिन पे तो वो उत्पन्न होते ही 100 साल का कैसे हो गया? अबे भाई वो इब्राहिम की उम्र है। अरे यार ये तो कतई इंसान है। ईसाक की बात हो रही है यहाँ, वो उत्पन्न होते ही 100 साल का है यहाँ पे, या इब्राहिम की बात नहीं हो रही है? ये कहो कि आपका बाइबल वाला ये जो आपका मत है वो झूठ पे टिका हुआ है भाई, उसी का इस्तेमाल आप ही कर रहे हो, उसी का इस्तेमाल आप कर रहे हो। लोग की दोनों बीमारियां से बच्चा पैदा कर रही है। अरे बस रहने दो, इब्राहिम की पर बताई जा रही है, बता सका आपको कुछ नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, श्री राम की ऊपर कितने साल की थी? इतिहास की इतनी बड़ी घटना हुई और उसका एक भी लेखा जोखा नहीं। श्री राम की उम्र कितने साल की थी? पैदा हो रहा है उनके बीच में रह रहा है और वो एक भी घटना लिख नहीं रहे हैं कि इस डेट को हुआ, इस डेट को मरा, इस डेट को मुकदमा चला, जबकि आप बाइबल में बता रहे हैं कि वकील भी वहां मौजूद है, जज भी है, और क्या वहां पर हुआ है इसका? हुआ हमारा डेट मेंशन हमारे यहाँ नहीं करी जाती थी। आप क्या कहते हैं नहीं करी जाती थी? मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसका जजमेंट क्या आया? जज मौजूद है, वकील लग रहे हैं, मुकदमा चल रहा है ईसा के ऊपर, तो जजमेंट क्या आया? जजमेंट में लिखा होता है, डेट भी लिखा होता है, टाइम भी लिखा होता है, बना रहे हैं कैसे गिना बिना शून्य के गिनती कैसे? टाइम और डेट नहीं होता है तो आप 7 दिन में धरती कैसे बना रहे हैं? कौन सा ईश्वर है? अरे भाई 7 दिन में धरती का मतलब कुछ और है, तुम्हारी कितने दिन में बनी धरती जरा मुझे ये बता दो। बता दूंगा, प्रमाण सहित बता दूंगा, पहले तुम बता दो मुझे, सवाल मेरा आएगा, मेरी बारी है, आपकी बारी नहीं है। सहित बता दो, बिना शून्य के आप लोगों ने गिनती करी कैसे? बिना शून्य के, चलो चलो मैं अभी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बिना शून्य के मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपका चौथा प्रश्न है जिसका उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है? शून्य पे ध्यान रखना, मैं अगर शून्य बोलूं तो, ठीक है? शून्य पे ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम, पूरा पूरा टाइम बताऊंगा, ध्यान रखना जरा। देखिए सबसे सूक्ष्म काल है परमाणु, 2 परमाणुओं का 1 अणु, 3 अणुओं का 1 त्रिश्रेणु, झरोके से जो सूर्य की किरणें आती है ना उसमें जो आप कण देखते हैं। अरे कितने अणु? एक मिनट फिर से बोलना, सुन लो पहले, सुन लो, आप में सुनने की भी सामर्थ्य नहीं है क्या? वो तो इतने घंटे से आप सुन ही रहा हूं। इतना तो जज्बा रखो। हाँ कितना, फिर से शुरू से बोलो। हाँ तो सबसे सूक्ष्म काल है परमाणु, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, 2 परमाणुओं का 1 अणु होता है, 3 अणुओं का 1 त्रिश्रेणु, झरोखे से आई सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु उड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, आसानी से आप भी देख सकते हैं। अच्छा तो वो एटम होता है, एटम की साइज क्या होती है? भी समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं। पहले सुन लो, आप में सुनने का विश्वास नहीं हो पा रहा है, सुन लो, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ पूरा पूरा, उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का 1 वेद, 3 वेदों का 1 शब्द, 100 त्रुटि गिनी कैसे बिना शून्य के? अरे मेरे भाई 100 त्रुटि कैसे बिना शून्य के? 0 के बिना आपने 100 त्रुटि गिनी कैसे? वही तो सवाल है, बिना शून्य के। एक शतम है शब्द हमारे पास, एक शतम शब्द है हमारे पास, यहाँ एक शतम बोला जाता है।
आपने गिना कैसे? बोला जाता है, बता तो रहा हूँ, क्या ध्यान दो, सुन रहे हैं, इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, एक शतम बोला जाता है यहाँ। एक शतम क्या होता है? एक शतम का मतलब आपके पास कंप्यूटर भी है, पीसी, लैपटॉप, आपके पास जो जो चीजें तुरंत चेक कर लीजिए, आप संस्कृत व्याकरण लीजिए, संस्कृत शब्द को लीजिए, आपने सौ गिना कैसे? पंचदश काष्ठों का एक लघु होता है, पंचदश लघुओं की एक नाड़िका, छह नाड़िकाओं का एक पहर और आठ पहरों का एक दिन रात होता है, पंचदश दिन रात का एक पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्षों का एक मास, छह मासों का एक अयन और दो अयनों का एक वर्ष होता है। अब मैंने इसमें 250 हफ्ते 52 हफ्ते यानी कि गिनती कर कैसे रहे हो? पहले तो पास सारी चीजें हैं जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पंचदश है, पंचदश है, महीना है, जीरो के बिना गिना कैसे? अरे चाचा बता तो रहा हूँ, अपने शब्दकोश में चेक कर लो ना, मैं जो शब्दों के इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, पंचदश है, एक शतम। बिना शून्य के, शून्य आर्य भट्ट ने 580 में ढूंढा, आपने गिना कैसे? किसको जाता है ढूंढा, किसको जाता है, आपको ये भी पता है? आपको ये भी पता है किसको जाता है ढूंढा? उसको जाता है जो होता है पहले से मौजूद, लिया गया जो पहले से मौजूद होता है, किया था आर्यभट्ट ने, बाद में ढूंढा है, उधर से चोरी ने बताया है, आर्यभट्ट ने बताया है, जब हम पंचदशा लिख रहे थे तो उन्होंने हमें एक लिखने की लिपि दी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें एक शतम लिख रहे थे, उन्होंने लिखने की लिपि दी कि आर्यभट्ट ने करी लिख सकते हैं, उन्होंने लिख सकते नाम उनकी।